अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट रिफत मैं ब्लेस से आई होप कि आप लोग सब सही होंगे। परवरदिगार आप लोगों को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, इलाही आमीन। व्यूअर्स, आज मैं अपनी स्टूडेंट के सर के ऊपर बेबी लाइट्स कर रही हूँ, तो उसकी उसके लिए मैं सबसे पहले इनके सर में पाउडरिंग करूँगी। पाउडरिंग करने की वजह ये है कि हम जब बाल कैप से निकालेंगे तो वो इजीली कैप से आउट हो जाएंगे, और क्लाइंट को, आपकी क्लाइंट हो या जो भी इसको भी आप इसको एप्लीकेशन कर रहे हो, तो उनको पेन फील ना हो। तो इससे पहले कि मैं आपको रिव्यू स्टार्ट, और थोड़ा सा जब यह हम पाउडरिंग कर लेंगे पूरे हेड पर, फिर उसके बाद हमने कैप में भी थोड़ा पाउडरिंग करनी है ताकि वो स्लिप होकर बाल आराम से निकल आए। तो इससे पहले कि मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करूं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को दबाइए ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अच्छा व्यूअर्स, हाँ व्यूअर्स, ये मैंने इनको कैप वेयर करवा दिया है। अब ये जो आप इस जो इसके सर्कल्स देख रहे हैं, अब डिपेंड करता है क्लाइंट के विश के ऊपर कि उनको कितना करीब या डिस्टेंस पे बेबी लाइट्स चाहिए। तो जैसे कि मेरे क्लाइंट को ये करीब करीब इनको बहुत स्मजिंग स्टाइल में बेबी लाइट्स चाहिए, तो हम इनके कैप से फ्रंट एरिया से हम इनके बालों को निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इस तरह हमने इनके फुल हेड पर बेबी लाइट्स निकालने हैं, बालों को निकालना है कैप पहना के। इनको थोड़ा क्लोजली चाहिए तो मैं इनके करीब करीब से, जैसे ये फाइव सर्कल हैं, फाइव बड़े सर्कल्स हैं, वन पॉइंट सेंटर में, तो मैं इतना करीब करीब इनके लाइट्स निकाल रही हूँ। जी व्यूअर्स, ये इनके मैंने पूरे कैप से ये बेबी लाइट्स के लिए हेयर्स निकाल लिए हैं, और अब हम इनको करेंगे डी कलर ब्लीच वॉश करने के बाद। फिर जो भी इनकी प्रोग्रेस होती है मैं आपसे शेयर करती हूँ, और ऑफ कैमरा में ये आपको प्रोसीजर करके दिखाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, अब मैंने इनको जो मैंने बेबी लाइट्स निकाले थे इनको मैंने डी कलर किया है 40 वॉल्यूम से, और अभी ये प्रोसीजर मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। और इसके बाद डी कलर करने के बाद फिर मैंने इनको कैपिंग करनी है ताकि इनकी जो डिक्लेरेशन है वो कैप पहनाने से, उसकी हीट से जल्दी से एक्टिवेट रहे, और हमारा जो प्रोसीजर का जरिया है वो जल्दी जल्दी हो सके। हाँ जी व्यूअर्स, जब हमने इनके बेबी लाइट्स निकाले कैपिंग के बाद, जो डिक्लेरेशन हुई थी वो इस कलर की क्लाइंट की बेच थी। अब मैं इनको क्लेरेशन कर रही हूँ, डिक्लेरेशन कर रही हूँ, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन करके, जो इन्होंने चूज़ किया है 9.43 कलर क्यूने का, और मैं डबल रेशो के साथ इनके कलर की एप्लीकेशन कर रही हूँ। अब इनकी एप्लीकेशन करके फिर मैं आपको ऑफ कैमरा करके, प्रोसीजर लंबा है तो वीडियो लंबी ना हो जाए, तो मैं आपको अभी आपको वापस मैं दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, मैंने इनके 9.43 की डी कलर किया है। अब इसको हम 15 से 20 मिनट रखेंगे, फिर इनका हेड वॉश कराएंगे, फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जी व्यूअर्स, ये मैंने इनका हेड वॉश कराने के बाद, बेबी लाइट्स करने के बाद, मैं इनका तमाम प्रोसीजर करने के बाद ये मैं आपको इनकी ओवरलुक दिखा रही हूँ कि इसका जो प्रोसीजर हमने किया बेबी लाइट्स का, उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। ये देखिए,
अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। आपकी दोस्त आपकी होस्ट रफत नाइट ब्लेस है। और ये देखें बीबी लाइट बर्गर आपके सामने हैं। चूँकि इनको मोटे हैवी चंक्स चाहिए तो बेबी लाइट्स में ये हैवी चंक्स के साथ इनका बेबी लाइट्स है। तो मैं आपको इनकी फ्रंट लुक नहीं दिखा सकती क्योंकि ये मेरी क्लाइंट है, तो मैं आपको इनका पूरा ओवर लुक दिखा रही हूँ। तो ये था मेरा आज का